सर 7 अप्रैल को पुष्पा टू की तरफ से कुछ आने वाला और साथ ही किसी का भाई किसी की जान का ट्रेलर भी उसी दिन आने वाला है, तो क्या खबर मैंने सुनी है, मतलब अभी उसका ग्लिम्स आया है, मतलब इसका एक अनाउंसमेंट टीजर आया है कि पुष्पा टू आने वाली है 2023 में। तो 7 अप्रैल को इसका अनाउंसमेंट होगा कि भैया 7 अप्रैल को मतलब कि ये मतलब रिवील होगा कि मोशन पोस्टर आने वाला है, टीजर आने वाला है या फिर क्या आने वाला है या फिर रिलीज डेट होने वाली है, रिवील होने वाली है। आप दोनों में से किसके लिए एक्साइटेड है? मैं दोनों के लिए एक्साइटेड हूँ और मेरे को ऐसा लग रहा है कि मतलब 7 अप्रैल को मतलब जब इसका पोस्टर मोशन पोस्टर आएगा तो उससे ये पता चल जाएगा कि भैया पुष्पा टू की रिलीज डेट एक्चुअल में है क्या, वो किस फिल्म के साथ क्लैश करने वाली है, किस फिल्म के बीच में आने वाली है, किस मंथ में आने वाली, सब पता चल जाएगा। और ये भी पता चल जाएगा उससे कि हमें भाई इसमें म्यूजिक व्यूजिक वगैरह किसका सुनने को मिलने वाला है और डबिंग एक्टर्स कौन होने वाले हैं, सभी चीज़ें हमें 7 अप्रैल को पता चल जाएंगी। क्योंकि उस बार जो अल्लू अर्जुन का जो मिमिक्री मतलब सॉरी मिमिक्री नहीं मतलब डबिंग आर्टिस्ट थे वो तो श्रेयास तलपड़े थे, इस बार श्रेयास तलपड़े ही होंगे कि अदर कोई होगा ये देखना लाजमी होगा। तो फिलहाल 7 अप्रैल का वेट है। और रही बात इसकी किसी के भाई किसी की जान की, तो लोग कह रहे हैं कि उसी दिन मतलब इसी हफ्ते उसी दिन ऐसे चांसेस हैं कि 7 अप्रैल को हमें किसी का भाई किसी की जान का ट्रेलर भी देखने को मिल सकता है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही दिलचस्प बात है कि भाई अल्लू अर्जुन और एक क्या कहते हैं सलमान खान, तो बहुत ही तगड़ा कॉम्पिटिशन है, लेकिन कंपेरिजन करने वाली चीज़ नहीं है मोशन पोस्टर और ट्रेलर को लेकर, लेकिन फिर भी अगर कंपेयर किया जाए तो बहुत ही अच्छी चीज़ है कि भाई एक ही साथ हमें दो खुशखबरियाँ देखने को मिलेगी। पहली बात तो पुष्पा टू को लेकर कि भाई उसका रिलीज डेट क्या है और मोशन पोस्टर फर्स्ट लुक हमें देखने को मिलेगा और किसी के भाई किसी की जान का ट्रेलर, क्योंकि भाई ऑलरेडी किसी के भाई किसी की जान के 5-6 गाने आ चुके हैं, ठीक है, और अभी बिहानी पाजी का गाना नहीं आया है, तो आप समझ सकते हो कि किसी के भाई किसी की जान की जो फिल्म होने वाली उसकी लेंथ कितनी लंबी होने वाली, क्योंकि जिसमें 6-7 गाने हों और उसमें साउथ और नॉर्थ का कॉम्बिनेशन हो, तो आप समझ सकते हो कि लगभग 2.5-3 घंटे की मूवी होने वाली है। तो मतलब आप दोनों के लिए एक्साइटेड हैं? हाँ, दोनों के लिए एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और यही बात है कि एक साथ दोनों मतलब देखने को मिलेंगे, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड यार।